ला 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 ला। क्या हुआ, डर गए क्या? ये है साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग मुंजिया, जो है एक हॉरर कॉमेडी फिल्म। श्री रूही भेड़िया के बाद दिनेश विजन महाराष्ट्र के कोंकण की एक फोकलोर यानी लोक कथा लेकर आए हैं, तुम्बड। फिल्म याद है आपको? वो भी महाराष्ट्र के एक गांव की हॉरर लोक कथा पर बेस्ड है, जिसे कई अवार्ड मिले। दिनेश विजन शायद इसी फिल्म से इंस्पायर्ड हुए होंगे। लेकिन 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 आपको मैं बता दूं कि मुंजिया दूर दूर तक तुम्बड़ की बराबरी नहीं कर सकती। अच्छा, फिल्म देखकर मुझे डर ज्यादा लगा या हंसी ज्यादा आई, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक तो जरूर देखना पड़ेगा। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा आनंद। अगर आपने जागरण की यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए। मेरे फेवरेट जॉनर्स हैं रोम कॉम एंड हॉरर कॉम। मेरा मतलब है रोमांटिक कॉमेडी एंड हॉरर कॉमेडी। सोचा था हॉरर कॉमेडी है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आऊंगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देख लिया, लेकिन उसके बाद सरदर्ती गोली खानी पड़ गई। फिल्म में मुंजिया नाम का एक भ्रम राक्षस है, जो चेटुकवाड़ी गांव के एक पेड़ में कैद है और उसकी बस एक ही तमन्ना है, जो शायद ये वीडियो देख रहे बहुत से सिंगल लड़कों की होगी, मुन्नी से शादी करना। मुन्नी बदनाम हुई वाली से नहीं, चेटुकवाड़ी गांव वाली मुन्नी से। उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, वो जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे मूवी का बेस बनाने के चक्कर में काफी स्लो और बोरियत फैलने लगती है। बीच बीच में कॉमेडी के पंच आते रहते हैं जो माहौल को थोड़ा लाइट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हॉरर कॉमेडी होने के बावजूद आपको डर का डर भी नहीं लगेगा। फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है मुंजिया, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म बनी है, उसका इंट्रोडक्शन भी काफी फीका लगा। कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें थोड़ी सी अच्छी कोशिश की गई ऑडियंस को डराने की, लेकिन नॉट अप टू द मार्क। ट्रेलर देखकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझे इस फिल्म से, जो पूरी बिल्कुल नहीं हुई। बात करें फिल्म की कास्ट की तो फ्रेश फेस फ्रेश टैलेंट अभय वर्मा, काफी सीन्स में उनकी एक्टिंग कमाल की थी, बेटर देन बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार्स। फिल्म में अभय वर्मा ने बिट्टू का किरदार निभाया है। बिट्टू की दोस्त और बचपन का प्यार है बेला उर्फ शर्वरी। शुरुआत में उनका रोल थोड़ा सा कम है, बट क्लाइमेक्स में आते आते कहानी उसी पर फोकस होती है। और भाई क्या कमाल एक्टिंग करी है लड़की ने, मुझे तो बहुत मजा आया देख के। फिल्म में मोना सिंह भी है, जो बिट्टू की माँ का किरदार निभा रही है। उनकी परफॉर्मेंस भी सही थी, अच्छी थी। फिल्म में बिट्टू के बेस्ट फ्रेंड का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो निभाया है तरनजोत सिंह ने। उसको देखकर तो भाई मुझे फुकरे के मनजोत की याद आ गई। पूरी फिल्म में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था ला 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 ला। ये जो म्यूजिक था ना भाई, डरावना तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, बट मुझे बड़ा सूदिंग लगा। ओवरऑल मुंजिया को मैं दूंगी 2 स्टार। भ्रम राक्षस का जो क्रिएचर उन्होंने क्रिएट किया था और जो पूरा जंगल का सीन था, बड़े पर्दे पर देखकर थोड़ा तो मजा आया मुझे, बट हॉरर फैक्टर देखकर थोड़ी निराशा भी हुई। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी न्यू मूवीज के साथ मैं आऊंगी उनके रिव्यू लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण के यूट्यूब चैनल को।